हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में एक बार आपका अगेन स्वागत है। बाउंसी नंबर जस्ट लाइक मौसी नंबर, तो ये मौसी नंबर नहीं है, बाउंसी नंबर है। ओके, तो बाउंसी नंबर क्या होता है, क्या ये बाउंस करता है, क्या करता है, और ये जो प्रोग्राम है इम्पोर्टेंट है आईसी क्लास 11 एंड 12 प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाउंसी नंबर If digit of number are unsorted, जो भी नंबर होगा उसकी डिजिट जो है अनसॉर्टेड होगा तो वो बाउंसी नंबर है। ओके, एंड अगर सॉर्टेड है मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो बाउंसी नंबर नहीं है। बाउंसी बाउंसी बाउंसी, तो 2, 2, 3, 4 ये तो एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डेट्स वाई इट इज नॉट बाउंसी नंबर। एंड 7, 7, 4, 4, 1, 0 ये भी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, इसलिए ये भी बाउंसी नंबर नहीं है। बट यहाँ 1 के बाद 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4, 9 ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए ये बाउंसी नंबर है। ओके, बिकॉज डिजिट्स आर अनसॉर्टेड। एंड नंबर बिलो 100 कैन नेवर बी बाउंसी नंबर, बिकॉज 2 डिजिट नंबर होगा और 2 डिजिट नंबर में तो फिर वो बाउंस या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, क्योंकि कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए तभी पता चलेगा अप डाउन। अब यहाँ करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज बाउंसी नंबर और नॉट। ओके, तो इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, साथ में क्या प्रोसीजर यूज होगा, क्या लॉजिक यूज होगा उसे हम देखते हैं, है ना। एक सिनेरियो बना लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या यूज होने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं क्या फंडा यूज करने वाला हूँ वो बताता हूँ। देखो, अगर हमने यहाँ पर ये किया, कोई असेंडिंग नंबर है, सपोज आपके पास 4 है 7 है 9 है, अगर वो असेंडिंग नंबर है मान के चलो, तो हम इस डिजिट को लेंगे और इस डिजिट से इसे कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या वो छोटा नंबर है। छोटा नंबर है तो मतलब असेंडिंग है। एवरी टाइम अगर छोटा नंबर मिलता गया फिर हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे तो असेंडिंग नंबर है। तो जो भी नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर से क्या करना, कंपेयर करना है, देन उसे पता चल जाएगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या केस रहेगा, सपोज यहाँ 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ फिर 4 है और 2 है कुछ, तो इससे हम इधर चेक करेंगे क्या ये बड़ा है, यस। फिर इस नंबर को इसे चेक करेंगे बड़ा है, यस। बड़ा निकलता गया तो समझो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, और छोटा निकलता गया तो समझो वो असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर इसी बीच में छोटा नहीं निकल रहा है, बड़ा नहीं निकल रहा है, कुछ अप डाउन हो रहा है, तो समझ जाओ वो बाउंसी नंबर है। अगर ऐसा करते गए पूरा और असेंडिंग ऑर्डर में ही निकल कर आया और डिसेंडिंग ऑर्डर में निकल के आया, मतलब ये एक तरीका है चेक करने का। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा एक लाइट वेट बताया, अब लाइट वेट में बताया एक तरह से। सपोज 5 हो गया 9 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर हमने चेक किया ये बड़ा हो गया है ना, और इधर चेक किया ये छोटा हो गया, तो कभी बड़ा कभी छोटा, तो समझ जाओ वो बाउंसी नंबर है। और हमेशा छोटा निकलता जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा बड़ा निकलता जा रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो बस इतना ही प्रोसीजर है। तो हमने क्या किया, स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट किया, क्लास बनाया एंड देन मेन फंक्शन बनाया, मतलब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एज इट इज़। यहाँ तक का तो ब्लॉक सेम ही रहता है, आपको पता है। अब यहाँ 2 केसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके लिए मैंने इज इंक्रीमेंट ट्रू एंड इज डिक्रीमेंट ट्रू 2 वेरिएबल ले लिए हैं। ओके, पहले से मैंने उसका स्टेटस ट्रू कर रखा है, राइट। अगर वो इंक्रीज रहेगा, अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर में है तो हमेशा इसके वैल्यू ट्रू रहेगा, अगर डिक्रीमेंट ऑर्डर में है तो ट्रू रहेगा। इज डिक्रीज वाला जो वेरिएबल है, इनको बूलियन वेरिएबल लिया है एक स्टेटस चेकिंग के लिए। जैसे ही वो इंक्रीमेंट नहीं निकल रहा है, मतलब एक तरह से हम चेक कर रहे हैं कि उसके छोटा वैल्यू है या बड़ा वैल्यू है, वैसे ही हम उसे क्या कर देंगे, इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स कर देंगे। जैसे 4, 5, 9 है,
नाइन को इधर चेक किया, अगर छोटा निकल रहा है कुछ नहीं करेंगे, इधर चेक किया छोटा निकल रहा है कुछ नहीं करेंगे, बड़ा निकल गया वैसे ही हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब देखो वैसे ही कुछ किया है यहाँ पर, सबसे पहले n को हमने num के अंदर स्टोर कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हमें एक एक डिजिट तो निकालना ही पड़ेगा राइट, तो डिजिट जीरो हो जाती है तो कॉपी बनाना पड़ता है। ये है कंप्लीट हमारा जो है वाइल लूप का क्वेश्चन, सॉरी जो हमें चेक करना है, फर्स्ट केस जो चेक करना है इंक्रीमेंट के लिए चेक करना है क्या वो इंक्रीमेंट है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं केस वन फॉर चेकिंग इंक्रीमेंट राइट, केस वन फॉर चेकिंग इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर, थोड़ा इंक्रीमेंट सही नहीं लग रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ओके। तो कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो अपने माइंड में, और जितना बड़ा नंबर एज्यूम करोगे उतना ही आपको बेटर समझ में आएगा। तो थ्री डिजिट की जगह फोर डिजिट ले लेते हैं राइट, जैसे हमने यहाँ पर ले ली। अब इसमें इंक्रीमेंट चेक कर इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही असेंडिंग ऑर्डर वाला ही ले लेते हैं। सपोज टू है, फाइव है, सेवन है और नाइन है। 2579 हमने एक नंबर ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि हाँ चलो जो भी है, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक नंबर स्टोर कर लिया, मतलब पी आर ई के अंदर नाइन आ जाएगा ओके। और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये तो डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है ना। यहाँ पर ये लूप तब तक चलेगा जब तक वो जीरो ना हो जाए, जैसे जीरो हो जाएगा लूप बंद हो जाएगा। या तो ये कंडीशन लगाओ नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर नम ग्रेटर देन जीरो लगाओ। और ये है लास्ट डिजिट गेट करने के लिए, टू गेट लास्ट डिजिट ओके। और ये है लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए, टू रिमूव लास्ट डिजिट। नाइन्थ स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन का कोड, तो ये लाइन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ना ही डिजिट को कैसे निकालते हैं वो समझाने की जरूरत है, और ना ही ये वाइल लूप। वाइल लूप की ये थ्री लाइंस हैं टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट, हमेशा याद रखो। मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो और डिजिट इज इक्वल टू एन मॉड टेन। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करना, मेरा एक डिजिट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो है, बहुत मस्त है, उससे आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा। ये जो कोड है वो डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए, एक एक करके डिजिट आपका निकलता आएगा है ना। मेन फंडा तो ये है हमारा, मेन जो लॉजिक है। तो पहले मैं इसे फिर इरेज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जस्ट फर्स्ट टाइम पर जो डिजिट निकलेगा वो तो 99 निकलेगा, तो पहले तो जो चेकिंग है वो 99 से हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम डिजिट की जगह पर आएगा 7, कंडीशन फॉल्स हो गई, छोटा वैल्यू आ रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब अभी भी उम्मीद है कि वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगा, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एंड फिर यहाँ पर क्या किया हमने, डिजिट को असाइन कर लिया प्रीवियस के अंदर। इसका मतलब अब डिजिट में प्रीवियस नहीं है, अब 7 है। इसका मतलब अब हम 7 को चेक करेंगे, मतलब 7 से चेक करेंगे 5 को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो अब 5 निकलेगा ओके। तो चेकिंग कैसे हो रही है, पहले चेकिंग हुई 7 9 की, अब चेकिंग होगी 5 7 की है ना। ये केसेस बनाते चल रहा हूँ। कंडीशन फॉल्स मतलब अभी भी उम्मीद है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर डिजिट अगेन प्रीवियस में चली जाएगी, मतलब यहाँ प्रीवियस में 7 आ गया था, अब 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस में 5 आ गया और डिजिट में हमारा निकल कर आएगा 2। तो 5 चेक हुआ 2 से, मीन्स 2 चेक होगा 5 से यहाँ पर, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब सभी डिजिट चेक हो गई, कभी मतलब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें ट्रू मिलेगा, मतलब फॉल्स हुआ ही नहीं, सब कुछ चेक हो गया फॉल्स नहीं हुआ, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया तो डिक्रीजिंग के लिए हमने वही सेम फार्मूला फॉलो किया है राइट।
तो इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अब इंक्रीजिंग वाला ट्रू आ गया, इसका मतलब वो बाउंसी नंबर नहीं है। देखो अभी मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ डिक्रीमेंट वाला, अगर आप यहाँ से देखोगे इंक्रीजिंग में ट्रू ट्रू डबल करो ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और नॉट क्या कर देगा फॉल्स कर देगा, तो इसका रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स मतलब नॉट बाउंसी नंबर हो गया। अब इधर ट्रू आए या फॉल्स आए डजेंट मैटर, राइट। अब अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब नॉट बाउंसी नंबर के लिए ही चेक कर रहे हैं, अब हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, ये वाला केस, ठीक है। अब मुझे जो एग्जांपल लेना पड़ेगा वो मुझे लेना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, तो एन मैंने ले लिया सपोज 8421, ये एक नंबर ले लिया पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस में, ये प्रीवियस है और यहाँ पर वन आएगा और यहाँ पर आएगा वन, यहाँ पर भी वन आएगा, तो फर्स्ट टाइम तो कंडीशन ट्रू ही फॉल्स रहेगी, एंड नेक्स्ट टाइम टू आएगा तो टू से कंपेयर करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। तो अभी भी डिक्रीमेंट इस डिक्रीज में फॉल्स नहीं आया, मतलब ट्रू है, राइट। फिर जो है डिजिट को हमने प्रीवियस में डाल दिया, मतलब प्रीवियस यहाँ आ गया, जो प्रीवियस की वैल्यू है पहले वन थी, अब प्रीवियस की वैल्यू टू, और डिजिट में प्रीवियस में आ गया टू, मतलब कंडीशन ये है पहले वन ग्रेटर देन वन चेक हुआ था, अब जो है वन ग्रेटर देन वन वो तो कंडीशन फॉल्स होगी, फिर वो टू के साथ चेक हुआ, टू ग्रेटर है लेस देन है, सॉरी लेस देन है ना, देखो अपने आप ही पता चल जाता है कुछ गड़बड़ हुई होती है, तो लेस देन वन, तो अब ये चेक हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो गया। अब क्या होगा, प्रीवियस के अंदर टू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फोर, तो अब फोर लेस देन टू चेक होगा, मतलब टू चेक होगा फोर से, तो कंडीशन फॉल्स अगेन, मतलब इस डिक्रीजिंग में जो है ट्रू ही रहेगा, फॉल्स नहीं आ रहा है, कंडीशन ट्रू होगा तब ये चेंज होगा ना। अब यहाँ पर फिर आएगा एट, तो एट चेक होगा आपका फोर से, क्योंकि ये प्रीवियस ना, ये जो प्रीवियस की वैल्यू है ना वो चेंज होती जा रही है ना, तो इस टाइप से ये चेंज होगा। एंड अब क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब तो मेरी बातों को आप कैच कर पा रहे होगे, अब तो लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, राइट। तो नॉर्मली बस ये है कि अपर वैल्यू मिलती गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उसको ट्रू, मतलब ट्रू ही रहेगा, फॉल्स नहीं हो पाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। अभी सपोज यहीं पर ये आ जाए, सपोज एट की जगह पर आ जाए थ्री, तो यहाँ फोर है यहाँ थ्री, कंडीशन ट्रू, बस गया इस डिक्रीजिंग में फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब थ्री फोर टू वन, थ्री फोर इंक्रीज हुआ फिर ये डिक्रीज हो गया, तो मतलब ये बाउंसी नंबर हो जाएगा, तो बस ये चीज़ है। तो यहाँ पर फॉल्स नहीं आया, यहाँ पर भी ट्रू रहा, ट्रू डबल कोट ट्रू कंडीशन ट्रू, और ये नॉट कर देगा, मतलब नॉट अ बाउंसी नंबर जो मैंने चेक किया। अब अगर मैंने बाउंसी नंबर ले लिया, मतलब अप डाउन वाला ले लिया, तो पहले ये चेक होगा, है ना, सपोज मैंने ले लिया 4591, ठीक है ये ले लिया, तो पहले तो वन का वन से ही चेक होगा, कंडीशन फॉल्स रहेगी, फिर नाइन निकल कर आएगा, यहाँ नाइन निकल कर आएगा, यहाँ वन निकल कर आएगा, यहाँ पर इंक्रीज इज इंक्रीज में फॉल्स आ गया, कंडीशन ट्रू हो गए, है ना, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, फिर वो इधर भी जाएगा चेक करने के लिए, यहाँ पर भी ये होगा, वैसे तो हमें पता चल गया यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट हमने कुछ ऐसा स्पेशल रूल नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी वो होगा, वन को वन से चेक करेगा, फिर यहाँ नाइन से चेक होगा, तो यहाँ कंडीशन अभी फॉल्स है लेकिन, राइट, फिर यहाँ नाइन आ जाएगा और यहाँ फाइव आ जाएगा, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा, मतलब दोनों जगह फॉल्स आ गया, ओके। अब दोनों जगह फॉल्स आ गया, देन यहाँ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, और यहाँ पर भी फॉल्स डबल इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, तो इट इज़ बाउंसी नंबर, राइट। दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाता है, एक ट्रू हो जाता है, तब तो ये बाउंसी नंबर नहीं है,
राइट। तो नॉर्मली बस ये चीज़ है। अब मैं इसे एग्जिट करके दिखा देता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालता हूँ 3, 4, 6, 7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए नॉट बाउंसी नंबर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला डालूंगा, इसमें भी बाउंसी नंबर नहीं आएगा। तो नॉट बाउंसी नंबर। अब अप डाउन करके डालेंगे, कुछ बड़ा तो कुछ छोटा, छोटा फिर बड़ा, लाइक दिस। थ्री सिक्स फोर एट, तो इट इज़ बाउंसी नंबर हो गया, राइट। तो बस बाउंसी नंबर तो भाई बाउंसी नंबर ही है। तो यहाँ पर एक हमने ये बनाया, बस दो वेरी, अब देखो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, दो वेरिएबल इज इंक्रीमेंट और इज डिक्रीमेंट लगेगी, दोनों को ट्रू कर दिया हमने। ये वाला जो केस लगाया है, इस केस में अगर डिजिट बड़ा निकल जाता है प्रीवियस डिजिट से तो वो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो उसे हम फॉल्स कर देंगे। इधर सेम रूल हमने फॉलो किया है, इधर छोटा निकल जाता है इसका मतलब वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ओके। देन फिर हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, या तो ये कंडीशन लगाओ या ये कंडीशन लगाओ, है ना, कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाना चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू होना हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस पर बाउंसी नंबर आ जाएगा, नॉट बाउंसी नंबर आ जाएगा, ओके। और एग्जिट करके देखो, फील करके देखो, तब समझ में आएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।